चैनल पे एक बात बोला था से तीन दिन पहले कि खेसारी जी को इस मामले पे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए, है ना। और मुझे लगता है मीडिया के बारे में बोलना या किसी भी आम जनता के बारे में बोलना किसी बड़े स्टार का काम नहीं है, और खेसारी जी सुलझे हुए लोग हैं, मेहनती लोग हैं, नीचे से फर्श से अर्श का सफर किया उन्होंने। तो मुझे लगता है खेसारी जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ये हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऊन के स्वेटर के तरह एक धागे को खींचने के बाद कितने धागे खींचते चले जा रहे हैं। तो मेरे जो अपना मत है मेरा, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ खेसारी जी को कि आप सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांग लीजिए। और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में पूरे बिहार के लोगों ने यूनाइट होकर के इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था, ये बात आप जान लीजिए। तो बिहार में जनता जो है अश्लीलता के खिलाफ पहले ही से नाराज चल रही है। जनता को मंच नहीं मिल रहा था इसलिए जनता नहीं बोल पा रही थी। जनता को आपने मंच दिया है तो स्वाभाविक है जनता अपने दिल की बात बोलेगी आपके चैनल पे आकर। और अश्लीलता किसी भी माँ को, किसी भी बहन को, किसी भी भाई को, किसी भी बेटी को पसंद नहीं है सर। चाहे वो खेसारी लाल की बेटी के ऊपर गाना गाया गया हो, चाहे खेसारी लाल के द्वारा गाना गाया हो, चाहे मेरे द्वारा गाया गया हो, या आपके द्वारा गाया गया हो, किसी के द्वारा भी गाया गया हो, अश्लीलता बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन लोगों की मजबूरी है क्योंकि अश्लीलता सुनना और अश्लीलता पे लगाम लगाने के लिए सरकार का कोई लोकल सेंसर नहीं है, ना सरकार का कोई लोकल गाइडलाइंस है, जिसके वजह से नए कलाकारों का दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ते जा रहा है। अब तो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइनों का नाम लेकर के गंदे गंदे गालियां जो है दी जा रही है और गाने रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप ही के चैनल पे चार दिन पहले प्रोग्राम हुआ है। तो ये बिहार है, बिहार की जनता जब मन बना लेगी कि अश्लीलता हमको बंद करना है तो 24 घंटा काफी है अजीत भाई जी। और जो कल से आपके चैनल पे मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ,